हेलो गाइस, माय नेम इज योगेश। वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट लाइफ लर्निंग। दोस्तों, आज के इस वीडियो में ऐसे स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ जो सडनली ट्वेल्थ पास कंप्लीट होता है। फॉर एग्जांपल, ट्वेल्थ पास होता है जिसके घर की कंडीशन अच्छी नहीं होती है, जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, लोअर मिडिल क्लास से, जिसके ऊपर उसके घर की सारी जिम्मेदारी होती है, जिसकी बहुत सारी फैमिली प्रॉब्लम्स होती है, जो प्रोफेशनल कोर्स नहीं कर पाता है, जिसके पेरेंट्स प्रोफेशनल कोर्स की फ़ीस अफोर्ड नहीं कर पाते। तो ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने गोल के लेकर, अपने प्रोफेशनल कोर्स को लेकर प्राइवेट जॉब करते हैं। तो आज की इस वीडियो में ऐसे ही स्टूडेंट्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि टॉप 5 जॉब आप इस तरीके से जॉब कर सकते हो। और दोस्तों, आज की है वीडियो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूबल है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और दोस्तों, मेरी आखिरी में एक और ये सलाह है कि अगर आप खाली बैठे हो तो खाली बैठने से कुछ नहीं होने वाला है, तो आप ये टॉप 5 करियर ऑप्शन चूज कर सकते हो। इसमें आप सीख के अच्छी जॉब कर सकते हो अपने लक्ष्य के लिए। तो खाली बैठने से कुछ नहीं होता, ये चीज़ें आप तभी करें जब आपका कोई लक्ष्य हो, जब आपको कुछ पाना हो अपनी ज़िंदगी में, प्रोफेशनल कोर्स करना हो, कुछ बड़ा करना हो। तो सीढ़ी यहीं से स्टार्ट होती है, ये बेसिक लेसन तो आपको करना ही होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर प्राइवेट कंपनी में जॉब पाने के लिए सबसे पहले तो आपको एक चीज़ करना चाहिए, वो है दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज, कम्युनिकेशन, ठीक है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ठीक है, कॉन्फिडेंस और हैंडलिंग कॉलिंग अटेंडिंग कस्टमर केयर। थोड़ा इसको डिटेल में जानते हैं। प्राइवेट जॉब में दोस्तों हर बार रिक्वायरमेंट ये होती है कि थोड़ा इंग्लिश या इंग्लिश लैंग्वेज तो आना ही चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों, हो सकता है आप इंग्लिश लैंग्वेज सीख जाओ, अच्छे से आपको इंग्लिश बोलना आना चाहिए। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में दोस्तों ये है कि आपके जेस्चर, आपके फिजिकल मेंटेनिंग, आप मैच्योर हो जाते हो, आपको बात करने का तरीका पता होता है कि सामने वाले से किस टाइप से, किस तरीके से बात करना है, उसको लेकर इंटरव्यू फेस कर सकते हो। आपको उनके फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको कस्टमर केयर से बात करना आना चाहिए, पार्टी से बात करना आना चाहिए इंग्लिश में। तो आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाओ, ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज पर ज़्यादा फोकस करो, इंग्लिश आपको आने चाहिए, और पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे ज़्यादा फोकस करो। ये पहला फर्स्ट ऑप्शन ये। आप सेकंड ऑप्शन पे बात करते हैं कि अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट्स हो तो ये ऑप्शन तो आपके लिए बेस्ट है। जैसे हम जानते हैं टैली, जी हाँ दोस्तों, कॉमर्स स्टूडेंट्स को टैली तो आना ही चाहिए। तो अब यहाँ पर टैली में आपको सबसे पहले तो कम्प्लीट टैली आना चाहिए। कंप्लीट टैली का मतलब पूरी अकाउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए, जैसे GST, TDS, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, बैंक रिकंसिलिएशन, ऑडिटिंग, मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड, ऑडिटिंग, टैक्सेशन, मेंटेनिंग। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको दोस्तों टैली में आने चाहिए, तब आप दोस्तों इजीली जॉब पा सकते हो। आप किसी भी कंपनी में जॉब पा सकते हो, CA के अंडर भी अगर आप काम करोगे तो भी आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे। मतलब आप कंप्लीट अकाउंटिंग सीख लो, अकाउंटिंग फील्ड में आपके लिए बेस्ट है, और आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो ये ऑप्शन तो आपके लिए बेस्ट है ही। दोस्तों, अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। ये जो ऑप्शन है ये हम सब जानते हैं, और हम सब जान के भी इसको अनजान कर देते हैं। तो एडवांस एक्सेल, ये बातें हम सब जानते हैं। तो दोस्तों, प्राइवेट कंपनी में जॉब करने के लिए अगर आपकी घर की स्थिति अच्छी नहीं है, आप ये बात अच्छी तरह जानते हो, तो आप खाली बैठोगे उससे तो अच्छा है कि आपको एडवांस एक्सेल आना ही चाहिए। ऐसा नहीं है कि एडवांस एक्सेल करने वाला जॉब सिर्फ कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब करता है, नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी में जॉब करता है एक्सेल ऐसे। एक्सेल का दोस्तों एंड नहीं है, एक्सेल हर कोई नहीं सीख पाता है। एक्सेल में दोस्तों माइंड क्रिएट होता है, जिसमें एक्सेल दोस्तों एक्सपर्ट, जो एक्सेल एक्सपर्ट बन जाता है उसकी सैलरी 30,000-40,000 भी होती है। ये रियलिटी है, आपको समझने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, सबसे पहले एडवांस एक्सेल की जो पाने के लिए आपके अंदर 30 पर वर्ड मिनट टाइपिंग स्पीड तो होने चाहिए, 30 WPM की स्पीड होनी चाहिए। एडवांस एक्सेल आने के लिए इंटरनेट सर्फिंग, MS वर्ड, ठीक है, MS ऑफिस, पावर पॉइंट, ठीक है, ईमेल, MS रिपोर्ट, VLOOKUP, SLOOKUP, पाइवट टेबल, बिलिंग और इन्वॉइसिंग करना, तो बी एक्सेल एक्सपर्ट। कुल मिलाकर यहाँ पर मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि आपको एडवांस एक्सेल अच्छे से सीखना है। अगर आप एक्सेल के एक्सपर्ट बन जाते हो तो दोस्तों आप प्राइवेट जॉब में इजीली जॉब पा सकते हो, आप अच्छे से जॉब कर सकते हो। आपको अर्जेंट नीड है, आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए आप ये जॉब कर सकते हो, जिससे आप अपना अच्छा करियर बना सकते हो। अब बात करते हैं दोस्तों फोर्थ ऑप्शन, वो है दोस्तों डिज़ाइनिंग, जैसे वेब डिज़ाइनिंग, एनिमेकर, ठीक है, फैशन डिज़ाइनर, मर्चेंटाइजर बन सकते हैं हम, आप एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, गेम डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। डिज़ाइनिंग के फील्ड में आप ये सब चीज़ सीख सकते हो, जैसे कोरल ड्रॉ हो गया, फोटोशॉप हो गया, वेब डिज़ाइनिंग, एनिमेशन मेकर, ठीक है। अब तो तुरंत बात करते हैं फिफ्थ ऑप्शन पे। फिफ्थ ऑप्शन आप यही है कि डिजिटल मार्केटिंग जा सकते हो, ई कॉमर्स कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन जर्नलिस्ट कर सकते हो, कंटेंट राइटर कर सकते हो। तो दोस्तों, करियर को
लेकर ये सिर्फ ऐसी जो YouTube 5 ऑप्शन है ये सिर्फ आपको प्राइवेट जॉब पाने के लिए है, और भी बेस्ट बेस्ट मैं आप यहाँ से वीडियो प्रोवाइड करने वाला हूँ, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना। और भी ऐसे मैं आपको बहुत ज़्यादा करियर को लेकर बहुत सारी वीडियो है, मैं आपको डीपली से बता दूंगा कि बीकॉम के बाद क्या कोर्स है और अभी जो न्यू कोर्स ट्रेंडिंग कोर्स कौन से चल रहे हैं, कौन से ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्फिंग से हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, इसको लेकर अभी तरह तरह की बहुत सारी वीडियो अपलोड होगी, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बात और दोस्तों कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये कोर्स करते तो हैं और बाद में भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो कहीं जॉब अप तो करते नहीं, कहीं एक्सपीरियंस उनको मिलता नहीं और बाद में फिर वो पछताते हैं कि यार मुझे जॉब नहीं मिली। तो ये सब चीज़ें दोस्तों अगर आप कर रहे हो तो आप इसे ध्यान में रखे करो, अपने पेरेंट्स को ध्यान में रखे करो कि आपके पेरेंट्स के पैसे कैसे कमाते हैं, आपकी जो फीस देते हैं उसकी वैल्यू को समझो, एक बार करो, अच्छे से करो, सही से समझ के करो, तो बी सीरियस होकर दोस्तों इन सब कोर्स को, कंप्यूटर कोर्स को आप कर सकते हो। टाइम वेस्ट करने के लिए अगर आप ऐसे ही कर रहे हो, मजे में कर रहे हो, तो हल्के में इस चीज़ को ले रहे हो, एडवांस एक्सेल को, टैली को, एनिमेशन को, फिर दोस्तों आप सिर्फ इसको इग्नोर कर दोगे और सीख के भी अनजान बन जाओगे और सीख के कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं, आप भूल जाओगे। तो सीरियस होकर दोस्तों हर चीज़ ये चीज़ सीखो, आपको प्राइवेट जॉब अच्छे से ईजिली मिल जाएगी और सीखना तो आपको पड़ेगा ही। जब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा ही अच्छा बताने वाला हूँ प्रोफेशनल कोर्स को लेकर, करियर को लेकर, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। अच्छा है, वंदे मातरम।